आज हम बात करेंगे कि हाउ टू लर्न कोडिंग एंड गेट अ जॉब, कि किस तरह आप कोडिंग सीखो, खुद से कोडिंग सीखो। डिग्री नहीं की, मौका नहीं मिला पढ़ने का, या उस टाइम पढ़ने का शौक नहीं था, इट्स फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आपने की है डिग्री तो डिग्री के फ़ायदे ही हैं, नुकसान कभी भी डिग्री नहीं देती। ये जो लोग कहते हैं डिग्री फजूल है, ये है वो है, तो वो लोग फजूल हैं और उनकी सोच फजूल है। तो डिग्री फजूल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप, चलो आप, आपकी एज हो गई है और अगर सपोज करो आप उस पढ़ने के उससे गुजर चुके हो, या शादी हो गई है, आप ये है कि जिस तरह जॉब स्टार्ट की है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो मैं किस तरह करूंगा, और अगर मुझे अगर कुछ करना है या कोडिंग सीखनी है जैसे मिसाल के तौर पे, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो पैसों की ज़रूरत नहीं है आजकल। आजकल यार सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है विदाउट एनी मनी। यूट्यूब पे है, चैट जीपीटी से आप कुछ भी सीखना है पूछो, गूगल से आप पूछो। जिस तरह मैं कहता हूँ कि भाई लैंग्वेज सीखो, जो है जापानीज़ लैंग्वेज, अगर आप जापान आना चाहते हो तो फिर आपको इजीली जॉब मिलेगी। तो कहते हैं हम लैंग्वेज कहाँ से सीखें, मैं तो जॉब करता हूँ, कोर्स कैसे करूँ, भाई ऑनलाइन यूट्यूब पे लिखो जापानीज़ लैंग्वेज कोर्सेज, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, आप सीखो वहाँ से, तो किसने रोका है। तो सिमिलरली आज हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज पे हम कभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कोडिंग, कि कोडिंग और लैंग्वेज सीखें तो कौन सी सीखें। तो ये भी लोगों को, काफ़ियों को बहुत सारा मसला होता है कि अब आजकल जो है आपको लाजमी नहीं आप कोडिंग के लिए, जिस तरह मेरा है, मेरा तो प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं बंदा हूँ, लेकिन आजकल कोडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको जिस भी फील्ड में हो वो आपके साथ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विदाउट कोडिंग, विदाउट प्रोग्रामिंग जो है वो नथिंग है। तो अभी मुझे भी सीखनी पड़ रही है, मैं भी अभी सीखना शुरू किया दोस्त, मैं ऑनलाइन ही सीख रहा हूँ ये। तो अब सवाल ये है कि किस तरह हम सीखें, तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीखना चाहते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो है अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कौन सी जो है आपको लोगों के लिए ईजी रहेगी, तो वो ये है कि अभी पाइथन जो है बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, और बाकियों के मुकाबले जिस तरह C++ है और सी लैंग्वेज के मुकाबले आप ईजिली उसको सीख सकते हो। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि गो फॉर पाइथन, कि अगर आपको समझ नहीं आ रही थी कौन से कोर्स से मैं स्टार्ट करूँ, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज से मैं स्टार्ट करूँ, तो पाइथन इज़ द बेस्ट वन। अब दूसरा इशू ये है कि जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो कुछ लोग इस तरह भी होता है कि वो स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद छोड़ देते हैं। तो आप बेहतर कोर्सेज वो सिलेक्ट करें एक लिमिटेड कोर्स, क्योंकि लंबा कोर्स करने का भी फ़ायदा नहीं, आप जस्ट बेसिक आपको कोर्सेज करने से मिलेगा, उसके अलावा जो है आपको खुद ही जो है चीज़ें बाद में स्पेसिफिकली जिस पर्पज़ के लिए आप कोडिंग को यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको उस पर्पज़ के लिए स्पेसिफिकली फिर बाद में सीखोगे। पहले बेसिक जो है आप जो है ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, एक मीडियम कोर्स सिलेक्ट करो जिसको आप फिनिश कर सको। learnpython.org वेबसाइट आपको सामने स्क्रीन पे लिखी आ रही है, तो ये पाइथन वालों की वेबसाइट है जिसमें खुद जो है आपको चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह पाइथन काम करता है। 12 पाइथन प्रोजेक्ट्स, आप गूगल पे इस तरह लिखोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, उसमें ये कि उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में, तो आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उन्हीं वेबसाइट पे, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो है फॉर बिगनर्स, आप देखो 12 पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर बिगनर्स, अगर ये लिखोगे आप तो बहुत ही सिंपल किस्म के आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, वहाँ से आप उसको सीख सकते हो, आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी कोडिंग की, आपको कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा सिस्टम जो है वहाँ पे हर चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल है, जस्ट आपने अपना कोड, सिंपल कोड जिस तरह वो बताएं, थोड़ा बहुत आपने वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो जो आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो जो भी आपने कोड वगैरह डेवलप किया है, कुछ भी किया है, तो आप उसको ऑनलाइन जो है गिट हब गूगल करो, व्हाट इज़ गिट हब, तो गूगल आपको बताएगा व्हाट इज़ गिट हब, तो वहाँ से जो है आप उस पर उसको अपलोड करो, यूट्यूब पे आप उसकी वीडियो बनाओ, अपना अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करो, ये मैंने खुद काम किया है, डिग्री नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हो, आपके पास यूट्यूब है उसकी आप वीडियो बनाओ, अपने प्रोजेक्ट की कोड को रन करते हुए दिखाओ, उसका रिजल्ट दिखाओ, और अपनी जो है CV में उसका लिंक डाल दो, और जहां भी अप्लाई करो तो वो लिंक भी आप सेंड कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के नाम से फ्री कोर्स है, गूगल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ पे उनकी जो है गूगल का कोर्स है तो गूगल फ्री में कराता है, तो आप इस कोर्स से भी आपको बेसिक बुनियादी जो उसकी चीज़ें हैं कोडिंग की वहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी। और ये करने के बाद आप किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब्स हैं तो उनमें आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हो, और कोशिश करें कि जहाँ पर भी आपको इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, चाहे वो कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेके कोई कंपनी में आप ट्राई करो, अगर जॉब वहाँ पे मिल रही है कम पैसों पे मिल रही है तो वहाँ पे करो, तो वहाँ पे उसके करने के बाद जो है आपकी CV थोड़ी स्ट्रांग होगी, तो आप जो भी है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए, इस तरह की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। अब ये नहीं कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो डिग्री वालों के लिए ज़्यादा ईजी है, देर इज़ नो डाउट इन इट, जिनके पास डिग्री है उनके लिए ईजी है, लेकिन डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो सकते, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, कीप ऑन ट्राइंग,
करते रहो, लगे रहो, खुद को इम्प्रूव करते रहो, तो एक वक्त आएगा यू विल गेट द चांस। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कोई कोड लिखना है, कुछ बनाना है, आप चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे पूछो कि मेरा ये मेरी कंपनी है, ये मेरा इंटरव्यू है, मुझे बताओ कि मैं किस तरह जो है किस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करूँ। आप कंपनी की थोड़ी उसको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दो कि ये काम करती है, और अब मुझे बताओ कि वो किस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी आपको 10 15 12 इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन भी बना के देगा। तो चैट जीपीटी इज़ रियली हेल्पफुल फॉर गेटिंग जॉब। तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी उसकी हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी बेसिक वीडियो, फिर मिलेंगे, टेक केयर।